वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी से बेहद आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आलू और सूजी के स्क्वायर्स। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालेंगे एक कप के जितना मैदा। और उसमें डालेंगे एक टेबल स्पून के जितना ऑयल। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी मैंने मिक्स कर दिया है और उसमें डालेंगे दो बॉयल किए हुए मैश आलू, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, और हाफ टी स्पून डाला है रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हाफ टी स्पून ही डाल दिया है चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा डालेंगे हरा कटा हुआ धनिया का पत्ता। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और एक डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। डो अभी रेडी हो चुका है। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। और अभी लिया है रोलिंग बोर्ड और उसके ऊपर ले लेंगे डो को और उसको कट करेंगे चार हिस्सों में। एक हिस्से को ले लेंगे और इसको एक चपाती के जैसा बेल देंगे। और इसके किनारों को कट कर लेंगे। इसको ना तो बहुत ज्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज्यादा मोटा। और अभी ये स्क्वायर तैयार हो गया है। इसके भी हम चार टुकड़े कर देंगे। और अभी ये फोर्क की मदद से इसके चारों तरफ डिज़ाइन बना देंगे। इसे देखने में ये और भी अच्छा लगेगा। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। बस ऐसे ही हम सारे स्क्वायर्स पे डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है और इधर गरम किया है तेल और फ्राई कर लेंगे सारे स्क्वायर्स को गोल्डन और क्रिस्प होने तक। और अभी ये फ्राई हो चुके हैं। निकाल लेते हैं।
इसी तरह हम बचे हुए स्क्वायर्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बन करके तैयार होती है। इस होली पे जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अभी कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुए हैं। आप एक बार जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व किया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।